कन्नौज के तिरवा कोतवाली के बिनोरा रामपुर गांव के जीतू और रेनू के बीच कई सालों से प्रेम संबंध थे। दोनों कई बार घर छोड़कर भी भाग चुके हैं। इस बार परिवार वालों ने पुलिस के जरिए दोनों को पकड़ लिया। कुछ दिन पहले परिजनों ने रेनू की शादी तय कर दी। 28 जून को उसकी बारात आनी थी। बिछड़ने के डर से दोनों प्रेमियों ने एक बार फिर हमेशा के लिए घर छोड़कर भागने की योजना बनाई। पूरा हमारी मोहब्बत 1.5 साल हुई चलते चलते और हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। मतलब हम 4 दिन के लिए बाहर गए तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप घर लौट के आ जाइए, फिर इसके बाद चले जाना हमसे मिल के। फिर हम लोग आए, इन्होंने इसके पास मोबाइल देख लिया, इसके घर वालों ने, उसके भाई, उसके पापा ने उसको मारा बहुत बुरी तरीके से। फिर इसके बाद में हमने उसको उसने कहा कि हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। फिर सर हम लोग बगैर कागज लिए चले गए, 10-12 दिन हमारे साथ रही। फिर इसके बाद हम उसको लेके घर आए क्योंकि उसके घर वालों ने मतलब ये लिखाया था कि इसने मतलब वो किया चोरी की, 20 लाख का ATM तोड़ा, ये लिखाया था। फिर सर इसके लिए मैं सर इसको लेके उसने कहा हम बात करेंगे सर चल के, लेकिन मेरे घर वालों ने उसके घर वालों ने आपस में सुलह कर ली और बोले ये कि मतलब हम लोग सुलह कर लेंगे, तुम अपना लड़का ले लिए अपनी लड़की ले लेंगे। लेकिन उस लड़की को ये मंजूर नहीं था, उसको मेरे साथ रहना मंजूर था। वो मेरे साथ 3 बार ये गई थी। सर मैंने उससे कहा आप घर रहिए, हम लिखिए वो रहने दीजिए, घर वालों को तंग करते तुम्हारे घर वाले। वो बोली कि आपका बच्चा है हमारे पेट में 3 महीने। तब सर मैंने कहा चलो अगर ऐसी बात है, हमने अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब की है तो पार भी करेंगे। सर हमारी 1.5 साल से ये समझ लिए, कभी मैंने उसके एक हाथ भी नहीं छुआया था। हम लोग इतना गहरा प्रेम था, हम लोग खाना पीना सब एक साथ करते थे। देर रात दोनों घर छोड़कर भाग रहे थे तो रेनू के पिता राजकुमार को इसकी खबर लगी। बार बार लड़की के भागने से हुई बेइज्जती से वो पहले ही आग बबूला था। अपने भाइयों और कुछ साथियों के साथ गांव के बाहर दोनों को घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें रेनू की मौके पर ही मौत हो गई। हमको मारा डंडों से उसके घर वालों ने, उसके सारे घर वालों ने हमको मारा डंडों से, लातों से, हाथों से। और कहा गया उसके पापा ने, उसके भाई ने, उसके दाऊ ने, उसके चाचा ने उसको मारा डंडा रख के, यहाँ पे डंडा रख के मारा। और बाद में जब वो कुछ उसके सांस बसी तो यहाँ उसको 10-12 डंडे मारे। मतलब हम दोनों लोग भाग रहे थे, मक्का प्रो के लोगों ने हमको पकड़ के वहाँ पे बैठा लिया। इसके बाद में लोगों ने मेरे गांव के लड़के गए, उसके घर उसका भाई वीरवान और उसके चाचा का लड़का मनीष, उसके दाऊ का लड़का चंद्र प्रकाश और उसका छोटे बड़े दाऊ का लड़का मुकेश, ये लोग गए। हम लोगों को वहाँ पे बुरी तरीके से मारा। उसके चाचा के लड़के ने मनीष ने हमारे सर में पत्थर मारा, ये मेरा ये खपड़ी फट गई और मतलब पूरी तरीके से लगा नहीं, मतलब हल्का लगा। उस लड़की ने अपना शरीर लगा लिया था इसकी वजह से, और उस लड़की ने मेरे को जैसे शरीर लगा लिया था इसके लिए मेरे हल्की चोट आई, ये मतलब गहरा आया इतना सर। और हम लोग वहाँ से आए तो ये लोग हम लोगों को डंडों से मारते हुए ले आए। फिर सर एक खेत था जुता हुआ, हम लोगों को उसमें मारा सर इन लोगों ने, बहुत बेलौदी से दोनों लोगों को, उसको जान से मार दिया और मेरे को बेहोश कर दिया मारते मारते। मतलब ये घोषित हो गया मैं कि मैं भी मर गया। अब इन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया। तो किसने किया ये सब काम? उसके पापा ने, राजकुमार ने, लड़की के घर वाले। हाँ, और किसने किया? उसके चाचा ने किशोरी और उसके दाऊ बने वो विश्वदयाल और उसका भाई वीरवान, लड़की के घर वालों ने किया। हाँ, घायल पड़े बेहोश जीतू को मरा समझकर राजकुमार और उसके साथी भाग गए। होश में आने पर जीतू ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लड़के हैंगे, लड़के ने भाजी थे, 3 बार भाग चुके थे। किसके साथ? इसी के लड़के के साथ। तो ये लड़का फिर रात में इन लोगों ने पकड़ लिया, इसे बहुत बेरहम है, इसे मारा हमने, कुछ आप देखे ही नहीं मालूम है। सुबह जब मैं तो काम पूरा किया, मेरे ब्लड ड्रिंक है वहाँ में पता चला कि तुम्हारा लड़का मारा गया, तो घर में बड़बड़ाते रहे बस। उसके बाद ना तो इसको हमने देखा ना इसके पास जा पाए, हम घर में ही रहे। घर में उठ गए और लोगों ने गाँव ने कहा कि जाओ अपने लड़के को देखे आओ, जाओ अपने लड़के को देखे आओ। अच्छा। हाँ, उनके माँ बाप ने, उनके भाइयों ने बहुत मारा। कहाँ से मारा? मैंने देखा नहीं आंखों से साफ कि किस तरह चक्कू डंडा मारे क्या मारे। अच्छा, इस मारपीट में कौन खत्म हो गया?
कौन उस लड़की मारेगी, उसने मार दिया उसके भाइयों ने, उसके चाचा ने, उसके बाप ने, पांच छह लोग थे। किस वजह से? इसी कारण कि वो भाग गए घर से। अभी सुबह सूचना मिली थी कि तिरवा थाना क्षेत्र में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस गई, पुलिस ने घायल को जो है वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। अभी उसी से बात करने आए थे, उसके द्वारा ये बताया गया कि लड़की के कुछ परिजन थे, उन्होंने मारपीट की, मारपीट में लड़की की मौत हो गई है और ये घायल हो गया है, जिसमें से दो लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें ये आपस में प्रेम करते थे ऐसा इसके द्वारा बताया जा रहा है, और बाकी जो जांच होगी उसके पता चल पाएगा। अभी लड़के के द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि ये 4 बजे घर से निकल गए थे, परंतु कहीं से सूचना मिल गई कि ये लोग बाहर हैं घर से, तो इनको पकड़ लिया गया था। उसकी जांच की जा रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि लड़की की शादी थी 28 तारीख को, पर वो पूरी डिटेल में जांच करने पर ही पता चलेगा। कुछ परिजनों पर आरोप लगा रहा है ये, लड़की के परिजन थे।